ओके, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड जॉइनिंग। तो बहुत स्पेशल मैसेज है आज हम सबके लिए। विज्ञान भैरव तंत्र जो एक मेडिसिन है, एक मेडिसिन है हमारी मुक्ति के लिए, एक ऐसा स्पष्ट रास्ता जहां भोले भंडारी ने इतना प्यार हमारे साथ शेयर किया। क्यों? क्योंकि वो प्रेम पार्वती जी के लिए एक्सप्रेस कर रहे थे और पार्वती जी ने मानवता की कल्याण के लिए पूरा ज्ञान हमारे लिए शेयर किया, हमारे साथ शेयर किया। तो आज का मैसेज ब्रीदिंग टेक्निक के साथ रिलेटेड नहीं है, आज का मैसेज प्रेम के साथ रिलेटेड है। ऑब्जर्वेशन, मनन, चिंतन, कंटेम्पलेशन, शिवा, शक्ति और जीव, आज ये तीनों के बीच में प्रेम का संगम हम देखेंगे जो विज्ञान भैरव तंत्र में बताया गया है। हमारे बीच में आज तीन शक्तियों का चिंतन हम करेंगे, शिवा, शक्ति और जीवा। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है कि जब शिवा सुप्त अवस्था में हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो वो जीवा बन जाते हैं, मीन्स मन। शरीर और एक मानव का रूप ले लेते हैं। और जब जीव जागृत हो जाता है तो वो शिवा और शक्ति के मिलन को अनुभव कर सकता है और वो अपने असीम शिव रूप में स्थापित हो जाता है। अगर आपके मन में कुछ भी विचार आए इस प्रैक्टिस के दौरान आज, तो आप मनन कीजिए कि ये विचार जीव का है। शिव तो सिर्फ परम आनंद और परम प्रेम की स्थिति में विराजमान है, उनको कोई विचार अपने परम स्नेह से दूर नहीं कर सकता। वो हमेशा उस परम आनंद में स्थापित रहते हैं। फिर मेडिटेशन में अगर कोई विचार आता है और हम फिर से ये मनन करें कि अरे ये तो विचार मेरे जीव रूपी स्थिति से आ रहा है, मन का कोई विचार आया, कोई फैमिली का विचार आया, सेहत का आया, कुछ प्रॉब्लम्स का आया, टेंशन्स का आया, तो मनन करें ये जीव सोच रहा है। और जैसे ही एक ऐसा ब्लिसफुल स्टेट आप कुछ क्षण के लिए महसूस करेंगे जहां पे थॉट्स डिसॉल्व हो गए हैं, उस समय आपकी आंखों से आंसू, चित्त में प्रेम और वो शिवा और शक्ति के मिलन का जो
मिठास का मिश्रण है वो आप ऑब्जर्व करेंगे। उस समय आप मनन करें कि हाँ ये मेरा असली शिव स्वरूप है। तो इस मेडिटेशन में ही आप ऑब्जर्व करेंगे कि आप जीव बन रहे हैं, आप शिव बन रहे हैं, आप जीव बन रहे हैं, आप शिव बन रहे हैं। और इस रिदम को, मूवमेंट को आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आप एक बहुत प्यारा डिटैचमेंट का अनुभव करेंगे। जीवा और शिवा, जीवा और शिवा, इस मनन को, बिकॉज आई एम ऑलरेडी इन दैट स्टेट, मुझे लगता है इतनी गाइडेंस काफी होगी। इन केस ड्यूरिंग द मेडिटेशन कुछ गाइडेंस आती है, आई विल शेयर विद यू, बट स्टे इन दैट ब्लिस एंड ऑब्जर्वेशन। आप कब जीव बन गए और कब शिव बन गए? सोया हुआ शिव जीव है और जागृत जीव शिव है। इस डांस को आज आप ऑब्जर्व करें, यही है वो तांडव, शिवा का नृत्य। लेट्स गो इन टू दैट ब्लिस। Oh.
मनन चिंतन उस नृत्य में जहाँ पल भर में जीव की तरह प्रकट हो जाते हो और दूसरे ही क्षण आप अपने शिव रूप में स्थापित हो जाते हो। मनन चिंतन आपके अंदर ही जीव का प्रगटीकरण हो रहा है और आपके अंदर ही शिव की समाधि भी धारण हो रही है। लेट इट ऑल गो टुडे, लेट दिस जीवा अवेकन टू द शिवा। वेक अप वेक अप वेक अप।
लॉर्ड शिवा, इज शावरिंग सो मच लव एंड इज आस्किंग द जीवा इन अस टू फॉरगिव एवरीबडी, टू रिलीज द पेन to release any trauma that you're holding in your state of jiva. शिवा कह रहे हैं, हे भोले भंडारी, ये सब एक माया थी, विचलित मत हो, चंचल मन को मेरे अंदर स्थापित रहने दें। फॉरगिवनेस, क्षमा, प्रेम, करुणा, इस स्थिति में आते ही तुम्हारे अंदर शिव की स्थापना होगी। लेट गो ऑफ एनीथिंग दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम बिकमिंग अ शिवा टुडे। प्रीत जीवा एंड मूव टूवर्ड्स योर फ्रीडम।
In this meditative bliss, be the Shiva. The seed of this practice will take the Jiva to the Shiva state. You can do it. It's time for all of us. To establish our divinity. और यही समय है जीव मुक्त होके हम शिवा और शक्ति में स्थापित हो जाएं। अब नहीं तो कब करेंगे? और हम नहीं तो कौन करेगा? यू ऑल आर ब्लेस्ड, यू आर द फ्रंट रनर्स। यू हैव टू प्रैक्टिस एंड अलाउ दिस सीड ऑफ डिविनिटी टू ब्लॉसम इन योर कॉन्शियसनेस। यू हैव बीन चोजन। इवन इफ यू आर लिसनिंग टू दिस लाइव और एनी टाइम रिकॉर्डेड, the teachings are timeless. You have been chosen. Thank you, thank you, thank you.